दोस्तों आज की इस वीडियो में चेंज इन प्रोनाउंस को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि वॉइस चेंज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अब हम लोग सबको ही जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यदि नाउन हो तब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है यानी कि वो सब्जेक्ट जो नाउन है वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है लेकिन आज का जो टॉपिक है चेंज इन प्रोनाउंस उसको समझने के लिए दो कंडीशन अगर रखें पहले तो फिर कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा जैसे कि एक्टिव वॉयस में सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉयस में जाकर वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप लेने वाला है और दूसरा कंडीशन है यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही प्रोनाउन हो तो वो पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप लेने वाला है यानी कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म लगाना है पहले कंडीशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है आई लव माई सिस्टर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसका पैसिव में कैसे चेंज करेंगे माई सिस्टर इज़ लव्ड बाई मी मतलब कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है और वो जब पैसिव वर्स में जाता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो प्रोनाउन ही रहता है यानी कि आई का चेंज वाला फॉर्म है मी पैसिव वर्स में जाते ही वो आई मी बन जाता है और मी भी एक प्रोनाउन ही है ही हैज़ रीड दिस बुक एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में द बुक हैज़ बीन रीड बाय हिम ये भी फर्स्ट कंडीशन पे ही बेस्ड है इसमें भी जो सब्जेक्ट ही है वो प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट में जाते ही वो हीम बन जाता है और हीम भी एक प्रोनाउन ही है हीम मतलब होता है उसका और हीम मतलब होता है वह और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी उसके वर्ब में यानी कि हैज़ रीड से हैज़ बीन रीड में ट्रांसफ़र हो जा रहा है इसमें क्यों चेंजेस हो रहे हैं ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हैज़ रीड जो है वर्ब वो प्रेजेंट परफेक्ट है और हैज़ बीन रीड पैसिव में करते समय हो जाता है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में कोई सेंटेंस है अगर तो उसको पैसिव में चेंज करते वक्त हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पुट कर देंगे चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ आई एट राइस पैसे में राइस वॉज इटेंड बाय मी शी हैड डन द वर्क द वर्क हैड बीन डन बाय हर दोनों ही सेंटेंस में आई और सी एक सब्जेक्ट है और साथ ही साथ प्रोनाउन भी है तो वो ऑब्जेक्ट में जब जाता है तो उस समय क्या हो रहा है आई का मी हो जा रहा है और सी का हर हो जा रहा है मतलब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी और पैसिव वॉइस में जाते वक्त वही मी यूज होता है इन द सेम वे सी का हर और सी हर दोनों ही प्रोनाउंस ही है सी मतलब वह, हर मतलब उसकी अब चलते हैं दूसरी कंडीशन के एग्जांपल्स की तरफ आई लाइक हर शी इज लाइक्ड बाय मी तो इस सेंटेंस में आई और हर दोनों ही प्रोनाउंस हैं। इसीलिए आई को जब हम लोग ऑब्जेक्ट में ले जाए ले गए तो वो मी में चेंज हो गया और हर को जब हम लोग सब्जेक्ट में ले गए तो वो शी में चेंज हो गया यही तो रूल है ना वॉइस चेंज का सब्जेक्ट जो मैं में जो है वो पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और जो ऑब्जेक्ट में है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में जाकर सब्जेक्ट में चला जाता है अब ये याद रखने वाली बात है कि इस टाइप का अगर वॉइस चेंज आता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते करने के लिए तो उस समय हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है हर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म सी है इसी तरह ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हीम है तो ये बात पता रहनी चाहिए नहीं तो वॉइस चेंज करते वक्त बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ही विल टाइप अ लेटर अ लेटर विल बी टाइप्ड बाई हिम इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाइड है विल एक वर्ब है जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है यानी कि वो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में बताया गया है ही विल टाइप अ लेटर वो एक लेटर टाइप करेगा वो एक लेटर लिखेगा तो उसका चेंज हो गया पैसिव में अ लेटर विल बी टाइप्ड बाय हिम विल बी यानी कि विल का जो पैसिव वॉइस में जाने पे विल बी हो जाता है विल बी नेक्स्ट एग्जाम्पल दे विल विजिट टेम्पल द टेम्पल विल बी विजिटेड बाय देम इसमें भी सेम रूल है अगर विल और विजिट रहता है वर्ब में दोनों ही तो वर्ब ही है ना विल जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और विजिट जो है मेन वर्ब है उसको अगर चेंज करता है पैसिव वॉइस में तो विल का विल बी विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब कॉम है विजिट उसका थर्ड फॉर्म विजिटेड और दे एक प्रोनाउन है और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम इसलिए जब दे सब्जेक्ट से पैसिव वर्स में जाते जा समय ऑब्जेक्ट में जाता है तो वो देम में चेंज हो जाता है नाउ आई होप आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आज की वीडियो में बस इतना ही सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग